गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना लेसन नंबर 23 एसे राइटिंग कर रहे थे। हमने इसमें अ रेनी डे के बारे में पढ़ा, तो हम इसमें ये 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें आगे करना है। आई वॉज वेल प्रोटेक्टेड बाय माई रेन कोट बट अदर स्टूडेंट्स वर नॉट सो लकी। तो ऑथर क्या बोलता है कि मैं तो अपने रेनकोट से बच गया था, मैं बिल्कुल सुरक्षित था अपने रेनकोट की वजह से, बट जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो शायद मेरी तरह लकी नहीं थे, भाग्यशाली नहीं थे। व्हेन आई रीच द स्कूल आई फाउंड दैट द अटेंडेंस वॉज वेरी लेस एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड कम वर फुली वेट। उसके बाद वो क्या देखता है जब वो स्कूल पहुँचता है कि बहुत सारे जो अटेंडेंस है वो बहुत कम है, यानी बच्चे बहुत कम आए हैं स्कूल में, और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनमें से जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या थे, पूरे गीले हो रखे थे। एज द रेन कंटिन्यूड द स्कूल हैड टू बी क्लोज्ड फॉर द डे वी वर ऑल वेरी ग्लैड टू हैव अ हॉलीडे। तो बारिश लगातार होती रही इसलिए स्कूल को बंद कर दिया गया पूरे दिन के लिए, और हम लोग ये बात जानकर बहुत खुश हुए कि आज तो छुट्टी है, हमारे पास एक छुट्टी का दिन है। इट कंटिन्यूड टू रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स फॉर सम टाइम मोर। वी वेटेड इन द गैलरी इन फ्रंट ऑफ आवर क्लासरूम, लाउड थंडर स्टिल कंटिन्यूड विथ फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग। द स्काई वॉज कवर्ड विथ ब्लैक क्लाउड्स एज फार एज द आइस क्लाउड कुड सी, देयर वॉज वाटर एवरीवेयर। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर तक बारिश एकदम कुत्ते बिल्लियों की तरह होती रही, जैसे कुत्ते बिल्ली आपस में झगड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये एक प्रोवर्ब है और इसका मतलब है बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। ऐसी बारिश होती रही कुछ टाइम तक, और जो बच्चे हैं स्कूल तो ऑफ हो गया पर वो घर नहीं जा सकते थे, वो स्कूल की गैलरी में वेट कर रहे थे अपने क्लासरूम के बाहर। तो उन्होंने क्या देखा कि बिजली कड़क रही है अभी तक कंटिन्यू है वो काम, और फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग यानी कि रोशनी आ रही है नीचे तक बहुत ही, मतलब बार बार। द स्काई वॉज कवर्ड विद ब्लैक क्लाउड्स, जितनी दूर तक आँखें जाती है, जितने दूर तक नज़र जाती है उतनी दूर तक जो बादल हैं वो काले रंग के हैं, काले रंग के बादल छाए हुए हैं आसमान में। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर, और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। एज द रेन स्टॉप वी स्टार्टेड फॉर आवर होम्स। बाय द टाइम आई रीच्ड होम आई वॉज वेट टू द स्किन इन स्पाइट ऑफ माई रेन कोट। Mother at once prepared tea and I took 4 cups of it, as by this time I had begun to feel a little cold. उसके बाद क्या हुआ, जब बारिश रुकी तो फिर सब बच्चों ने अपने घर जाना शुरू कर दिया, और जिस टाइम ऑथर अपने घर पहुँचा उस वक्त उसने देखा कि उसकी स्किन गीली हो रखी है, बट जहाँ तक उसका रेनकोट था वो गीला नहीं है। उसकी मॉम ने उसके लिए चाय बनाई और ऑथर ने 4 कप चाय पी ली, और इसके बाद कुछ टाइम के बाद उसे फील हुआ कि उसे कोल्ड हो गया है, उसे सर्दी हो गई है। तो ये हमने पढ़ा रेनी डे के बारे में। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग।